हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 53 एंड द डेट इज 12th November 2020। योर क्लास इज 10th। हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर क्लास टीचर्स नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट रहेगी आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से। चैप्टर नंबर 3 रहेगा जो कि है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और आप पार्ट 1 पढ़ चुके हो। आज आप पढ़ेंगे पार्ट 2 और उसका जो टाइटल रहेगा ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक एरोप्लेन। तो क्या करना है इसमें, हमें रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और नीचे जो आंसर्स दिए गए हैं उनको आपको अटेम्प्ट करना है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दिस इज अ मिस्टीरियस स्टोरी। ये क्या है, एक मिस्टीरियस, रहस्यमय, विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, एक रहस्यमय स्टोरी है। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन, जो राइटर है वो अपना डेकोटा एरोप्लेन उड़ा रहे थे। सडनली, अचानक से, ही वॉज कॉट इन अ बिग क्लाउड एंड हिज कंपास, रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स फेल्ड। अचानक से वो एक बड़े बादल, बड़े गहरे काले बादल में फंस गए और उनके कंपास, रेडियो और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। देर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन, और उनके जो प्लेन में काफ़ी फ्यूल भी नहीं था। सडनली ही सो अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम, अचानक से उनको एक ब्लैक एरोप्लेन अपने पास में दिखा। द पायलट इन डैट प्लेन गाइडेड हिम, और जो पायलट उस प्लेन में था उन्होंने उनको गाइड किया। एज ए रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली, और इसी कारण वो लैंड सेफली कर पाए, उन क्लाउड से वो पार पास के। बट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड व्हेन द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर टोल्ड हिम डैट देयर हैड बीन नो अदर प्लेन एक्सेप्ट द राइटर्स डेकोटा ऑन द स्काई डैट नाइट। लेकिन उनको काफ़ी सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ जब कंट्रोल रूम में जो वुमेन थी उन्होंने बताया कि आपके अलावा रात में कोई भी, जो राइटर डेकोटा प्लेन उड़ा रहे थे उनके अलावा कोई भी प्लेन आकाश में उड़ रहा ही नहीं था। तो इसको पता करने के लिए हम स्टोरी पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। जो मून है वो ईस्ट में, ईस्ट जो दिशा है, डायरेक्शन है, वहाँ पर आ चुका था, और बिहाइंड मी, मेरे पीछे था, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, और मेरे ऊपर जो क्लियर आसमान था उसमें स्टार्स चमक रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और जो आसमान में बिल्कुल भी एक सिंगल क्लाउड भी नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं अकेला ही उड़ा रहा था, मतलब अकेला ही स्लीपिंग कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है जो कि शहरों से जो दूर का इलाके होते, जो ग्रामीण इलाके आप बोलते हो, कि मैं सोते हुए ग्रामीण इलाके के ऊपर अकेला बहुत खुशी से मैं अपना प्लेन उड़ा रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपना जो ओल्ड डेकोटा प्लेन फ्रांस से वापस मैं इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली, मैं अपने हॉलीडेज़ के सपनों के बारे में सोच रहा था और मैं अपनी फैमिली के साथ एक साथ उन हॉलीडेज़ को सेलिब्रेट करने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ मैं सोच रहा था, देख रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी वॉच को देखा और उसमें 1:30 का टाइम हो चुका था मॉर्निंग का। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए क्योंकि वो पहुंचने वाला था। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सो द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और जैसे मैंने जो एरोप्लेन के जो नोज थी, मतलब जो उसकी नोज होती है, वो जो पॉइंटर होता है, उससे मैंने आगे देखा तो मैंने देखा कि आई सो द लाइट्स ऑफ द बिग सिटी, मैं अपने सामने जो बड़ी बड़ी जो लाइट चमक रही थी बड़े शहर की, वो मैं देख सकता था। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न्ड द डेकोटा
12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। मैंने अपने मैप को और कंपास को चेक किया और मैंने जो अपना फ्यूल टैंक था, क्योंकि दो फ्यूल टैंक होते हैं अमूमन एरोप्लेन में, तो उन्होंने सेकंड, उनका फर्स्ट एरोप्लेन का जो फ्यूल था वो ख़त्म होने वाला था, इसलिए उन्होंने सेकंड फ्यूल टैंक में अपना जो फ्यूल था वो स्विच कर दिया। एंड उन्होंने क्या किया, 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ, इंग्लैंड की तरफ उन्होंने पेंटाकेटा प्लेन को टर्न कर दिया। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सभी चीज़ें बिल्कुल आराम से जा रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बिल्कुल एक आरामदायक फ्लाइट थी। लेकिन आपको पता है कि सिचुएशंस, डिफ़िकल्टीज समय बताकर नहीं आती। आगे क्या हुआ, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सो द क्लाउड्स। पेरिस 150 किलोमीटर्स मुझसे बिहाइंड, दूर था, व्हेन आई सो द क्लाउड्स, जब मैंने क्लाउड्स को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, बिल्कुल ऐसे क्लाउड्स थे जिनमें तूफानी भरे तूफान आने की पूरी संभावना थी। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो मुझे ऐसे लग रहे थे कि आकाश में मेरे सामने बिल्कुल बड़े से काले से माउंटेन्स, पर्वत की तरह खड़े हों। आई नो आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। मुझे पता था कि मैं उनसे ऊपर या उनके नीचे से या ऊपर से मैं फ्लाई नहीं कर सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ में टर्न कर उन स्टॉर्म क्लाउड से बच जाऊं। और उन्होंने फिर क्या डिसाइड किया, इनसाइड द क्लाउड्स, उन्होंने क्लाउड के अंदर ही पार पाना, उन्होंने सोचा कि इन क्लाउड्स के अंदर ही घुस जाता हूं और इनसे मैं फिर निकल जाऊं जल्दी। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, बिल्कुल एकदम से सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, बिल्कुल बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल इम्पॉसिबल था, असंभव हो रहा था बाहर कुछ देखने के लिए। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, ट्विस्ट, हिल रहा था बिल्कुल, क्योंकि जो फोर्स थी स्टॉर्मी क्लाउड्स की वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जैसे एक सुई घूमती है, बिल्कुल कंपास ऐसे घूम रहा था, मतलब इट शोज दैट द कंपास इज नॉट वर्किंग, जो कंपास है वो काम नहीं कर रहा था। इट वॉज डेड, वो मर चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो अब काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी एक अचानक से बिल्कुल डेड हो गए थे, काम करना उन्होंने बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पर कोशिश की बात करने की। तो यहाँ पर आज की जो हमारा वर्कशीट है, एक्सट्रैक्ट है, वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट में हम आगे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, कि जो वेदर था, जो मौसम था, वो कैसा था जब पायलट ने स्टार्ट किया अपना प्लेन उड़ाना। देर वॉज अ क्लाउड इन द स्काई, नहीं था बिल्कुल भी। इट वॉज अ क्लियर वेदर, तो हमारे आंसर ही मिल गया पूरा, इट वॉज अ क्लियर वेदर। और वैसे पढ़ लेते हैं दो ऑप्शन और, देर वॉज पुअर विजिबिलिटी, जो देखने विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल पुअर थी, वो नहीं था, बिल्कुल क्लियर स्काई थे और बिल्कुल आराम से वो देख पा सकते थे। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, तो ये भी रेनिंग को कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल साफ मौसम था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द ऑप्शन डेट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट डेट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको जो नीचे लिस्ट दी गई, इसमें सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं कुछ, जिसमें से आपको नॉट ट्रू वाले स्टेटमेंट आपको इसमें से निकालनी है। फर्स्ट है, द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इटली, लेकिन ये गलत है, वो तो इंग्लैंड में उड़ा रहे थे, इंग्लैंड तक उड़ा रहे थे, फ्रांस टू इंग्लैंड उड़ा रहे थे। सेकेंड है, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट, ही वॉन्टेड टू एन्जॉय हिज हॉलीडेज विद फैमिली, ये बिल्कुल ट्रू है। द पायलट सो स्टॉर्म क्लाउड व्हेन ही वॉज ओनली 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेरिस, लेकिन वो 50 किलोमीटर्स नहीं, 150 किलोमीटर्स अवे थे पेरिस से, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। द ऑथर कंपेयर द क्लाउड टू ब्लैक माउंटेन्स, ये बिल्कुल ट्रू है। फिफ्थ है, द कंपास एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल, बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ आर फॉल्स।
तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट कोरोस्पोंड टू, मतलब कि जो कंट्री साइड का जो मतलब है उनसे इन शब्दों में कौन सा शब्द मिलता नहीं, कौन सा इनका साइनोनियम सिमिलर मीनिंग नहीं है। लैंड आउटसाइड टाउन्स और सिटीज़, ये बिल्कुल है। रूरल एरिया, ये भी बिल्कुल है क्योंकि ग्रामीण इलाका ही होता है शहरों से बाहर। बिग सिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। रूरल रीजन और इट्स एन हैबिटेंट, और जो ग्रामीण इलाके और उसके निवासी हैं, तो ये भी क्रोसपोंड करता है कंट्री साइड से। क्वेश्चन नंबर फोर, द डिस्क्राइब्स ऑथर फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। 20 to 30 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना ऑथर की फीलिंग जब वो इंग्लैंड की तरफ अपना प्लेन उड़ा रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फोर थी, यहाँ पर आप हिंट ले सकते हैं इससे। द ऑथर वॉज वेरी हैप्पी टू बी अलोन हाई एंड अप अबोव द स्लीपिंग कंट्री साइड एंड ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद हिज फैमिली, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर टर्न्ड द एरोप्लेन 12 degree वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, क्या हुआ जब एरोप्लेन को 12 degree इंग्लैंड की तरफ उन्होंने टर्न किया। 40 to 50 वर्ड्स में इसको आंसर आपको आंसर देना है। तो नीचे मैंने आपके लिए आंसर ये हिंट दे रखी है, आप इससे दूसरा आंसर भी इसमें ऐड या मॉडिफाई कर सकते हैं। व्हेन द नरेटर टर्न्ड द एरोप्लेन 12 degrees वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड ही सो स्टॉर्म क्लाउड्स विच लुक्ड लाइक अ ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जैसे ही नरेटर ने 12 degrees एरोप्लेन को टर्न किया इंग्लैंड की तरफ, उन्होंने एक बड़े से क्लाउड स्टॉर्म क्लाउड्स तूफानी क्लाउड्स देखे जो कि उनको एक काले से माउंटेन्स पहाड़ की तरह दिख रहे थे उनके सामने खड़े हुए। ही न्यू ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, वो जानते थे कि इनसे ऊपर वो नहीं उड़ सकते हैं। एंड ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, सो ही टुक द प्लेन इनसाइड द क्लाउड्स, क्योंकि उनको पता था उनके पास ज़्यादा फ्यूल नहीं है और वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी नहीं जा सकते, तो इन्होंने अपना प्लेन उन बादलों में ही अंदर इनसाइड वो लेकर चले गए। लास्ट में आप कोविड अप्रोप्रिएट मैसेज पढ़ते हैं, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, वियर अ मास्क। COVID-19 से सेफ रहने के लिए आपको मास्क पहनना चाहिए जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। और यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच द प्रीवियस वर्कशीट वीडियोज देन previous videos of the worksheet, then you can click on the links given below in the description box. And if you like this video, then hit the like button, subscribe our channel, hit the notification bell, share with friends, and keep watching and supporting our channel Molding Minds. Milte aap sab se agli video mein.